कैथल जिले में काफी दिनों से चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यही वजह है कि पुलिस विभाग हाथ धोकर इन बदमाशों के पीछे पड़ा था। इसी क्रम में CIA की टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब टीम ने दिन में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये बदमाश दिन के समय ही छोटे वाहन चोरी करके इनके पार्ट्स बाजार में सस्ते दाम पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने इनके पास से 5 बाइक, 1 ऑटो और 1 कैबिन टाटा ST कटी हुई बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि ये चोर सार्वजनिक जगहों पर दिन रात चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। 18 तारीख को एक संजय की शहर सिटी के एरिया में एक बाइक चोरी हुई थी। उसकी हमने 16 तारीख को 18 नंबर FIR सिटी थाने में दर्ज कर ली थी। तो कल 29 तारीख को मुखबर के आधार पर हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार करा। वो मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी उसी को कैथल पुराना हॉस्पिटल के रोड पे वहाँ पे चला रहे थे। अमन को और इसको पवन को दोनों गिरफ्तार कराया। तो वो बाइक चला रहे थे, इनको गहनता से पूछताछ करी तो इसने और भी जो चोरियाँ करी थी वो भी कबूल करी। तो इसके अलावा हमने विक्रम कबाड़ी था उसको भी गिरफ्तार कराया। उसके वहाँ से 5 मोटरसाइकिल, 1 3-व्हीलर, 1 कैबिन टाटा जो कटी हालत में, और भी अन्य व्हीकलों के पार्ट और स्कैप हमने बरामद करे। तो आज इनको अदालत में पेश करेंगे तीनों को, और जो भी इन्होंने और भी कबूल चोरी करी है कि हमने सामान वगैरह बेचा है, तो जिसकी भी थाने की होगी वो पूरी डिटेल लेके आगे इनको प्रोडक्शन वारंट पे जो भी थाने का होगा उनके और रिकवरी। अभी तक की जांच में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री पे हो गया? इस पे पवन पे है, 1 FIR है, अमन पे है, इन पे दोनों पे, विक्रम पे नहीं है। बता दें कि बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए SP मकसूद अहमद द्वारा CIA की टीम को अतिशीघ्र चोरों को पकड़ने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद CIA टीम ने चोरी करने वाले 3 सदस्य गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार आरोपी बाइक समेत बाकी छोटे वाहनों को चोरी कर अपने ठिकाने पर ले जाकर काटते थे और उनके पार्ट्स को बाजार में बेच देते थे। फिलहाल आज आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।